हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीपी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने सीखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब कहलाता था, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था। जैसे यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस चेक करते थे, अगर कॉमन डिफरेंस हर पॉइंट पे सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता था, एपी में था। जीपी में कोई सीक्वेंस जीपी में कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होती है। जैसे एपी में था कॉमन डिफरेंस था, ऐसे जीपी में होता है कॉमन रेशो। आइए देखते हैं कैसे, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है दोस्तों, ये कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में कब कहलाएगा, जब इसका कॉमन रेशो बराबर होगा। अब ये कॉमन रेशो क्या होता है, कॉमन रेशो को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है दोस्तों, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जरूर देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है दोस्तों, अब आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे डी फाइंड आउट करते थे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, आर फाइंड आउट कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, अगर आर ये हर एक स्टेप पे सेम आए, हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ आर कैसे निकाल लेंगे, a3 बटे a2, आर यहाँ ऐसे चेक करते रहेंगे a4 बटे a3, यानी कि नेक्स्ट टर्म बटे में प्रीवियस टर्म, अगले टर्म बटे में पिछले टर्म। आइए चेक करते हैं, देखते हैं ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं। 4 बटे 2 यहाँ भी क्या है, 2। 8 बटे 4 यहाँ भी क्या है, 2। 16 बटे 8 यहाँ भी क्या है, 2। तो हर स्टेप पे आर की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हर स्टेप पे आर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है मेरे, ये क्या है, जीपी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 की जगह पे 6 आ जाता, अब चेक करके देखूँ, हाँ जी 4 बटे 2 तो 2 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 बटे 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 बटे 2, और यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे 6, 8 बटे 3। हाँ जी, आर की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आर की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो ये जीपी में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, 5, 25 और 125। ठीक है दोस्तों, ये अगर मैं आपसे पूछूँ जीपी में है कि नहीं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो ये क्या है, A1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाएगी फोर्थ टर्म, ऐसे चलते रहेगी। ये जीपी में है, कैसे चेक करेंगे, तो मैं आर चेक करूँगा। ठीक है, आर क्या होता है, कॉमन रेशो, मैं साइड में लिख देता हूँ, आर क्या होती है, कॉमन रेशो। ठीक है दोस्तों, आइए चेक करते हैं जीपी में कैसे चेक करते हैं आर की वैल्यू, a2 बाय a1, हाँ जी 25 बाय 5 क्या आ जाएगा, 5, और हर एक स्टेप पे सेम होनी चाहिए ये, 125 बाय a3 बाय a2 आएगा, बाय में 25, 25 125, यानी कि हर एक स्टेप पे आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, जीपी में है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी फोर्थ टर्म तो बताना बड़ा आसान है, क्योंकि ए थ्री क्या है, जैसे 5 के बाद 25 कैसे आया था, इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ था, 25 के बाद 125, 5 मल्टीप्लाई हुआ था, 125 के बाद यहाँ क्या आएगा, 625। ठीक है दोस्तों, और आप ये भी फाइंड आउट कर दोगे, ए फोर्थ भी बता दोगे, ए फिफ्थ भी बता दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ हे 100 क्या आएगा, यानी कि इसकी 100 टर्म क्या आएगी, 100वीं टर्म क्या, जैसे 5वीं टर्म ये थी, इसकी 100वीं टर्म क्या आएगी, तो कैसे करोगे, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। जैसे एपी में जनरल टर्म फार्मूला था, ऐसे ही जीपी में भी जनरल टर्म फार्मूला होता है, कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला होता है। तो जीपी में जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, जीपी में जनरल टर्म फार्मूला होता है an = a r^n-1। ठीक है दोस्तों, एन की जगह पे क्या पुट करना है, जो टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सिक्वेंस दे रखे हैं, इसकी आपको 10th टर्म पूछ ले, जैसे ये क्या है, इसकी थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब मैं इसको ऐसे ओपन करता जाऊंगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 10th टर्म क्या आएगी,
तो कैसे करेंगे? और आपको चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फर्स्ट है 5:9, 5:10, 5:11 और 5:12। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जनरल टर्म फार्मूले की हेल्प से जो टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है एन की जगह पे वो रख दो। ठीक है दोस्त, 10th टर्म तो एन की वैल्यू 10, तो एन की वैल्यू तो 10 है। ठीक है, ए क्या होता है, मैंने आपको ओपी में बताया था, फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं और उसको ही ए वन बोलते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। और आर क्या है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म, तो 5। ठीक है दोस्तों, फार्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दो, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर की वैल्यू क्या है 5, 5:10, एन की वैल्यू क्या है 10, 10-1 5, 10 में से गया 9। ठीक है दोस्तों, बेस सेम होती हैं, पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 10, यानी कि जब इस सीक्वेंस को मैं ओपन करूँगा तो इसकी 10th टर्म आएगी, वो आएगी 5 की पावर 10। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 5/2, 5/4 और 5/8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। जैसे इस सीक्वेंस की 3rd टर्म क्या है, ये है, आप आसानी से बता सकते हो। मैं पूछूं इस सीक्वेंस की 20th टर्म क्या होगी, तो A20, जैसे ये A3 है तो ये A20 है, A20 वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले क्या चेक करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं, अगर जीपी में है तो मेरे पास फार्मूला है, मैं अप्लाई कर दूंगा। आइए देखते हैं सीक्वेंस को जीपी में कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आर फाइंड आउट करते हैं। आर क्या होता है, कॉमन रेशो, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। हाँ जी, तो क्या करेंगे, A2 बाय A1, तो क्या आ जाएगा 5/4 बटे में 5/2। ठीक है दोस्तों, 5/4 ये घूम के ऊपर आ जाएगा, तो 2/5 इससे कट गया, तो क्या आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे A3 बाय A2, क्योंकि हर एक स्टेप पे आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ पे करके देखेंगे, सॉरी ये 5 इसके साथ ये कट गया, तो यहाँ भी अगेन क्या आ गया 1/2, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है दोस्तों, और मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए, चाहिए ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ए या ए वन बात सेम होती है। ठीक है दोस्तों, और मुझे क्या चाहिए, एन, कौन से नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, 20वें नंबर की टर्म, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 20। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए 20, क्या फार्मूला, ए आर, आर की वैल्यू भी यही है, आर की वैल्यू क्या है 1/2, R^2, एन की वैल्यू क्या है 20-1, तो क्या आ गया 5/2, 1/2, 20 में से गया क्या होता है 19। ठीक है दोस्तों, इसको ठीक करके लिख लो, लिख सकता हूँ वैसे, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया 5/2, बेस से मैं पावर क्या होगी, जुड़ गई, तो 2 की पावर 20, तो ये क्या आ गई, इस सीक्वेंस को मैं ओपन करूँगा तो उसकी 20 टर्म क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ, विच टर्म ऑफ द जीपी, ये मुझे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इस तरह से कोई जीपी है। ठीक है दोस्तों, जीपी क्यों आई है, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि आर की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम। आर क्या होता है, कॉमन रेशो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, कह चेक करके A2 बाय A1, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, आर की वैल्यू सेम है, तो ये जीपी है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे पूछूँ, हाँ जी 8, अगर मान लो सीरीज यहीं तक होती है, सीक्वेंस यहीं तक होता है, मैं आपसे पूछूं इसकी थर्ड टर्म क्या है, आप इजीली बता सकते हो इसकी थर्ड टर्म क्या है, 8 है, थर्ड टर्म क्या है 8 है, थर्ड टर्म, जैसी ऐसी सीरीज आगे चलती रहेगी, कहीं ना कहीं इसमें 1024 भी आएगा। मैं पूछूं, जैसे ये तीसरे नंबर की टर्म थी, आपने बता दिया तीसरे नंबर की टर्म थी, मैं पूछूं ये कौन से नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, कौन से नंबर की टर्म है, मुझे इसमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू। अब जैसे ये क्या थी, ये थर्ड टर्म थी, ये तो मुझे पता था थर्ड टर्म थी, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, an, क्योंकि nth टर्म है, मैंने आपको एपी में ये पहले बता रखे है इसको कैसे देखते हैं भी nth टर्म है कि नहीं, ये nth टर्म है, तो 1024, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने इसको nth टर्म मान लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। फार्मूले में क्या क्या चीज़ है, एक तो r मुझे गिवन है, वो क्या 2 है, और मेरे पास 1 है 2 है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं।
ए एन का फार्मूला ए आर इज टू पावर एन माइनस वन होता है, बट ए एन तो मेरे पास गिवन है 1024। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है 2, हाँ जी आर की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर एन माइनस के वन, तो 1024 ये 2 यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया 2 की पावर एन माइनस के वन, इसके साथ ये कट गई है क्या गया 512, तो 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 512, ये 2 रेज टू पावर एन माइनस वन एज इट इज 512। 512 को मैं 2 की पावर में कैसे लिख सकता हूँ ये मुझे लिखना है यहाँ पे। अगर मैं 2 की पावर को 9 कर दूँ, 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, जैसे 2 का स्केयर 4 होता है, ऐसे ही 2 की पावर 9 को क्या 512 लिखते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है और साइड में बेस का सेम है, तो मैं पावर क्या इक्वल कर सकता हूँ। तो n माइनस वन क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10, और 10 क्या है b, तो मेरा b क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जी पी, ये कोई ज्योमेट्री प्रोग्रेशन दे रखी है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, जैसे ये कोई मुझे जी पी दे रखी है मुझे, ठीक है दोस्तों यहाँ पे 3 है, ये मुझे कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे ओपन करता रहूँगा तो इसमें कहीं ना कहीं 729 आएगा, ठीक है। इसने पूछा है भी अगर इस सिक्वेंस को ऐसे ओपन करते जाएँ तो 729 भी टर्म कौन से नंबर की टर्म है, जैसे ये थर्ड नंबर की टर्म है, ये सेकेंड नंबर की टर्म है, ऐसी 729 कौन से नंबर की टर्म है, तो मुझे वो फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या मतलब, इसका मतलब मुझे एन फाइंड आउट करना है, कौन से नंबर की टर्म है एन फाइंड आउट करना है मुझे। और फार्मूले में क्या क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म जो मेरे पास है, और मुझे चाहिए आर, आर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, आर ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, क्या होता है ए टू बाय ए वन, तो 3/√3, ठीक है दोस्तों। 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ और बट्टे में √3, इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया √3। चेक करते हैं, यहाँ भी चेक करते हैं, √3 ही आएगा, 3√3/3, इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया √3। यानी कि ये सीक्वेंस क्या जीपी में है, अगर ये जीपी में सीक्वेंस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन को, आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास √3, फार्मूला अप्लाई करते हैं, मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन, ए एन क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, मैंने आपको बताया था मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एंथ टर्म है लास्ट टर्म, ए एन क्या है मेरे पास 729, ठीक है दोस्तों 729, 729 इज इक्वल टू ए, ए क्या है मेरे पास √3, आर, आर क्या है √3 की पावर एन माइनस वन, ठीक है दोस्तों 729, ठीक है दोस्तों। ये भी √3 है और ये भी √3 है, बीच में क्या प्रोडक्ट है, जब बेस सेम और पावर क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी पावर क्या है सारे की 1 है और 1/(n-1), बेस सेम पावर जुड़ गई, तो यहाँ क्या आ गया 729 इज इक्वल टू √3 की पावर n, ठीक है दोस्तों। अब मुझे 729 को √3 की पावर n के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। हाँ 729 को मैं 3 की पावर में कैसे लिख सकता हूँ, 3, 9, 27, 81, 243 और 729, यानी कि अगर 3 की पावर में 6 कर दूँ तो वो क्या आता है 729 आता है, पर मुझे तो √3 की चाहिए पावर, तो इसको दुगुना कर दो बस, √3 की पावर n इज इक्वल टू 3 को मैं √3 की पावर 12 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास बेस से मैं पावर क्या कर दो इक्वल कर दो, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है। इस तरह से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से मैं टर्म में लिखता रहूँगा, ये 12वें नंबर की टर्म बनेगी मेरे पास। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है विच टर्म ऑफ द जी पी, ये कोई जी पी दे रखी है, जब मैं इसको ओपन ऐसे करता रहूँगा तो ये कौन से नंबर की टर्म बनेगी, तो n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम क्वेश्चन है। तो पहले क्या एक है, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, एक है मेरे पास √2 है, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आर की वैल्यू क्या है 1/(a2) बाय में a1 करते हैं, इसके बटे में √2 करूँगा तो ये घूम के ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। इस स्टेप पे देखते हैं आर की वैल्यू क्या आएगी, इसके बटे में ये करूँगा, ये घूम के ऊपर ऐसे चला जाएगा, इसके साथ ये कर देगा, तो यहाँ भी 1/2, तो कन्फर्म हो गया आर की वैल्यू क्या मेरे पास 1/2,
ठीक है दोस्तों, फार्मूले में सभी वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला क्या, ये ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो ये क्या मुझे दे रखी है 2। ठीक है दोस्तों, ए क्या दे रखा है मुझे रूट टू, और आर क्या दे रखा है 1/2 की पावर, और एन की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। आइए करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। रूट टू, रूट टू क्या होता है 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ गया 1/5, 512 की 2 से करते हैं 1024। ठीक है दोस्तों, अब 1024 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं 2 की पावर 10, 1024 होता है। ठीक है दोस्तों, और 1/2 इसको मैं 1/2 की पावर n-1 लिख सकता हूँ, नीचे आ गया। तो इसको मैं 2^n-1=2^10 लिख सकता हूँ। तो बेस से मैं पावर ही क्या, बेस से मैं बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, n-1=10, तो n की वैल्यू क्या आएगी 11। ठीक है दोस्तों, तो n की वैल्यू क्या आएगी 11, 11 क्या सी क्या हो जाएगा मैं राइट आंसर। तो इस तरह से भी आपसे जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।